हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन टिक्की। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। पहले आप सोयाबीन को 4-5 आवर्स सोक कर लीजिए वाटर में। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा डालकर इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। इसे ऐसा बिल्कुल बारीक कर लीजिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए, कद्दूकस किया हुआ एक आलू डाल दीजिए, अब इसमें बॉइल्ड कॉर्न्स डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए, 1 नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, 4-5 बड़े चम्मच बेसन, 2-3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 अब इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसकी आप अपनी मनपसंद तरह की शेप बना लीजिए। मैंने एक टिक्की की शेप दी है और एक सीख कबाब की शेप। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब ऑयल को गर्म कर लीजिए और सोयाबीन टिक्की को अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। अब टिक्की एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। हमारी सोयाबीन की टिक्की बिल्कुल रेडी है और ये कितनी यम्मी लग रही है। आप इसे गर्मा गर्म अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।